हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे एज स्पॉट्स के बारे में कि किस तरीके से आप एज स्पॉट्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। एज स्पॉट्स वो स्पॉट होते हैं जो आपके फेस पर होते हैं। ये नॉर्मली ब्लैकिश या डार्क ब्राउनिश होते हैं। ये स्पॉट्स यूजली 2 से 3 मिलीमीटर बड़े होते हैं और आपके स्किन वाले एरिया में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। इसे साइंटिफिक टर्म में हम लेंटीजेनिस भी कहते हैं और इसको हम रेफर्ड एज एज स्पॉट भी कहते हैं। इन इंडिया जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिनके पास आप जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनको पापुलुसा निग्रा के नाम से ही जाना जाता है। और काफ़ी पेशेंट आपको इन सभी सभी का ट्रीटमेंट कराते हुए आपको दिखेंगे जिनको हमेशा एज स्पॉट की दिक्कत या शिकायत होगी। ये एज स्पॉट्स नॉर्मली 12-15 साल की एज से दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और एज स्पॉट्स की शिकायत होने के बाद वो डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं जिसपे उनको काफ़ी तरीके से चेकअप होते हैं और चेकअप होने के बाद आईलेड्स के नीचे भी ये एज स्पॉट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे छोटे एज स्पॉट्स हों या बड़े एज स्पॉट हों, दोनों ही कहीं ना कहीं दिखने में आपको लगेंगे कि ये एज स्पॉट है जो कि आपके फेस पर अच्छा नहीं लगते हैं। मेडिकल टर्म्स में इन्हें लेज़र के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। लेज़र आपके स्किन के डीपेस्ट लेयर में जाके मेलानिन के प्रोडक्शन को किल कर देता है। जब ये मेलानिन आपके स्किन के अंदर से मर जाता है तब कहीं ना कहीं एज स्पॉट्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इस लेज़र ट्रीटमेंट से रिमूव तो हो जाते हैं बट ये आपके चेहरे पर बार बार आ जाते हैं। सो उसके लिए अगर आप ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो 2 से 3 साल या 4 से 5 साल भी लग सकते हैं इस ट्रीटमेंट को, और आपको ये ट्रीटमेंट लगातार करवाना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं एज स्पॉट की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और ये डिपेंड करता है आपके एज स्पॉट के ऊपर भी कि उसकी टेंडेंसी क्या है। अनदर फैक्टर क्या है कि आप एज स्पॉट आने से पहले उनको कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट कर सकें या अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रख सकें जिसके थ्रू आप एज स्पॉट्स की प्रॉब्लम को आने से पहले ही रोक देंगे। नाउ डेज पीपल घर से बाहर जाते नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या वो उनको एज स्पॉट नहीं होगा? उनको भी कहीं ना कहीं एज स्पॉट हो सकता है क्योंकि वो आर्टिफिशियल रेज से तो बच रहे हैं बट जो इनडोर आर्टिफिशियल रेज हैं उनसे कैसे बचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज वर्क फ्रॉम होम ऑफिस करना लोगों के लिए मजबूरी बन चुका है, सरदर्दी बन चुका है, क्योंकि उनको सिस्टम के सामने बैठना पड़ता है जो कि कहीं ना कहीं एक अल्ट्रा वायलेट रेज उनके चेहरे पर पड़ती है जो कि उनके चेहरे को हार्म करती है, जिसमें कंपनी अपने अकॉर्डिंग वर्क करवा रही है लोगों से जितना हो सके उतना। सो वो सिस्टम के सामने बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू या सामने सिस्टम के बैठने के बाद जो लाइट उनके चेहरे पे पड़ती है, जो टाइम स्पेंट वो करते हैं, उसकी वजह से कहने की जो यूवी रेज होता है उनके चेहरे पे पड़ता है जिसके थ्रू एज पिंपल्स रिंकल्स आना स्वाभाविक है। अगर आप इन सब चीज़ों को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको यूवी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन अप्लाई करना होगा अपने घर पे, अगर आप हैं तो भी, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी, ताकि आप अपने स्किन को उन हार्म फुल रेज से बचा सकें। और फॉरएवर के अंदर जो आपको सनस्क्रीन मिलता है वो आपको SPF 30 मिलता है जो कि कहीं ना कहीं आपके चेहरे को ग्लो लाने में हेल्प करेगा। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं आप और फॉलो करते रहेंगे तो श्योरली आप अपने एज स्पॉट्स को हार्म होने से बचा सकेंगे। आपकी बॉडी में जो भी यूवी रेज आने से पहले ही आपकी पूरी बॉडी क्योर हो जाएगी और आप अपनी स्किन को बचा पाओगे, जिसमें आपका फाइन लाइन्स, रिंकल, हाइपर मेंटेनशन, नाउ ये सब जानते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं करते और एज स्पॉट्स की प्रॉब्लम पे अपना काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एज स्पॉट्स की प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है कि कैसे आप इसको नेचुरली प्लस कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स को यूज़ करके इस प्रॉब्लम को आप क्योर कर सकते हैं। और क्योर करने का मेन रीज़न क्या है कि आपको कुछ नेचुरल रेमेडी को फॉलो करना है जिसे आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको पपाया का रस चाहिए होता है और आपको आलू का रस चाहिए होता है, इसके साथ ही साथ आपको रेड लेंटिल्स का पाउडर चाहिए होता है, उसके साथ आप इसको योगर्ट को ले सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव या ड्राई स्किन नहीं है तो कहने की आप कोकोनट ऑयल, और आप इसको 5 मिनट तक, इसके मिक्सचर को 5 मिनट तक अपने फेस पर अप्लाई करें सर्कुलर मोशन पे, और 5 मिनट मसाज करना है आपको। मसाज करने के बाद आफ्टर जब आप इसको फेस वॉश के थ्रू, आप नॉर्मल फेस वॉश के साथ को धो देते हैं आप अपने स्किन के ऊपर से, देन आप एक साथ सनस्क्रीन आप अपने लगा सकते हैं जो कि फॉरएवर के पास है, जिसके थ्रू आपको जो भी प्रोटेक्शन रेज मिल सके और जिसके अंदर SPF 30, 50, 50 प्लस का जो भी प्रोटेक्शन होगा वो आप अपने स्किन पर अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एज स्पॉट्स की प्रॉब्लम से बच सकेंगे। अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम से तो आप बच जाएंगे, बचने के बाद आपको इस चीज़ का फोकस करना है कि ये बार बार आपकी स्किन पे आते रहेंगे, तो आपको इस रेमेडी को वंस इन ए वीक
या ट्वाइस इन ए वीक आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप एक नेचुरल स्क्रब बना सकते हैं, फेस वॉश बना सकते हैं या फेस मास्क बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप स्क्रब को यूज़ करना चाहते हैं डेली, तो फॉरएवर के पास खुद का एक स्क्रब है जिसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए एलोवेरा जेल की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसको 4 times इन्हें डेली आप यूज़ कर सकते हैं। 4 दिन में इसको यूज़ करना है और 3 दिन आप फेस मास्क अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको प्रॉपर तरीके से आपकी स्किन को नरिशमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गिंशिया अगर आपके कंट्री में अवेलेबल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं 3 tablets इन अ डे, या इसके रिप्लेसमेंट में आप मल्टीमग का भी आप यूज़ कर सकते हैं 3 times इन अ डे, जो कि आपको यूज़ करना है खाना खाने के बाद, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद आप मल्टीमग को यूज़ कर सकते हैं। एलो स्क्रब को यूज़ करिए और एलो सनस्क्रीन आप यूज़ करिए एवरी डे। एलो स्क्रब आप 1 in a week या 2 in a week आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने स्किन की जो डीप लेयर है वहाँ पर जो मेलानिन की प्रोडक्शन है इसको ख़त्म कर सकें, और जो गंदगी है आपके चेहरे पे फंसी है उस गंदगी को आप निकाल के अच्छी तरीके से अपनी स्किन को ताज़ा और फ्रेश फील करा सकें। सो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से आप एज स्पॉट्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और एज स्पॉट्स की प्रॉब्लम, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस रेमेडीज़ को फॉलो करके आप वेरियस तरीके से अपनी स्किन को हेल्थ बेनिफिट दे सकते हैं। और जितने भी पर्सन को एज स्पॉट्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी पर्सन अपनी इस प्रॉब्लम का क्योरमेंट इस वीडियो के थ्रू पा सके। चैनल पर न्यू है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपसे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें आपको बताई गई, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है या कुछ आपके माइंड में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उस कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका बेस्ट यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, इसका रिप्लेसमेंट क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि वो प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल करा सकें। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर दिया गया, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर, अपने डिटेल्स बता सकते हैं कि ये डिटेल्स आपकी हैं और एज स्पॉट्स की प्रॉब्लम आपको इतने टाइम के अंदर से है, ताकि हम उसको मेजरमेंट कर सकें और क्या क्या चीज़ें आपको रिकमेंड करनी है उसके अकॉर्डिंगली वो हम आपको बता सकें। क्योंकि जब आप रिपोर्ट शेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट करने के बाद आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, कौन सा बेस्ट रेमेडी आपको सूट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, जिसको यूज़ करके आप एज स्पॉट्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकेंगे। सो आई होप इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, हमने काफ़ी वीडियोस इस तरीके से ऑलरेडी बना रखी हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें वेरियस तरीके से डिजीज़ के बारे में बताया गया है और उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में भी आपको बताया गया है। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम थैंक यू सो मच।